चलित बर्ष विश्वकप्रे भल प्रदर्शन करना बांग्लादेश जमीक आम देखिले सेमिफाइनाल खेल दल वंचित तबे सब बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा आसंता का भारत बनाम न्यूजीलैंड सेमिफाइनाल खेल जाऊँगी बांग्लादेश क्रिकेट टीम जड़े जबरा फैन मु कैमरा पर्सन को अनुरोध करी सीधा सड़क दृश्य देखिए आम अधिकांश समय टी देखीचे जे कि ग्यारी रही सब बांग्लादेश टीम को चेयर कर मुंबई वांखड़े स्टाडियम पहुंची और टीम इंडिया को आसंता का सी चेयर करिबे तबे हम सहित जोड़ी अधिक आलोचना करिबा दादा वेलकम टू अर्गस न्यूज क्या कहेंगे बांग्लादेश सेमीफाइनल में नहीं है कल टीम इंडिया को चेयर अप करेंगे आप बांग्लादेश भी नहीं है इंडिया भी है ना वो एशिया का टीम है और बहुत अच्छा टीम है मेरा फिर इंडिया का कोई खास खिलाड़ी है मेरे साथ अच्छा रिलेशन है रोहित भाई है तो एक भी तो है एशिया का पाकिस्तान नहीं है बांग्लादेश भी नहीं है श्रीलंका भी नहीं है अफगानिस्तान भी नहीं है एक तो होना चाहिए वो है इंडिया अभी अच्छा खेल रहा है अभी ट्रॉफी का जो लेगा इंडिया आई थिंक ट्रॉफी ले सकता अच्छा अच्छा पड़ोसी का फर्ज निभाने के लिए आप स्टेडियम के लिए आए हैं कल टीम इंडिया को सपोर्ट करोगे ऑब्वियसली हम लोग एशिया का है यार मैंने बोला रोहित भाई को मैंने बहुत प्यार करता हूँ अच्छा रिलेशन है फिर चाहता हूँ रोहित भाई अच्छा खेले तो इंडिया जीतेगा तो बहुत अच्छा लगेगा दादा क्या कहेंगे हम लोग देखा है 2015-16 टाइम में बांग्लादेश अच्छा डेवलप किया था क्रिकेट में एक 2018 या 20 में शायद अंडर 19 वर्ल्ड कप भी जीता है फिर से क्यों डाउनफॉल ऐसे शुरू हो गया क्रिकेट टीम का देखिए ऐसा क्रिकेट बोल नहीं सकता कभी कुछ होगा देखिए 2007 में इंडिया ऐसा टीम था बहुत अच्छा टीम था हमारा टीम उतना अच्छा नहीं था फिर बांग्लादेश जीता इंडिया के साथ इंडिया टूर्नामेंट से बाहर आ गया फिर ऐसा होता रहेगा कोई अच्छा खेलेगा कोई खराब खेलेगा देखिए इंग्लैंड कैसा टीम है भाई इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियन मैंने इंग्लैंड में इंग्लैंड का फाइनल देखा है न्यूजीलैंड इंग्लैंड फाइनल देखा है जबरदस्त फाइनल था तो क्या हो गया इंग्लैंड ये बार क्या किया इंग्लैंड में इंग्लैंड चैंपियन हुआ इधर में नंबर 7 पे है नंबर बांग्लादेश 8 पे है तो क्रिकेट बहुत कुछ हो सकता इंग्लैंड भी बाहर हो गया बांग्लादेश भी बाहर हो गया तो बांग्लादेश ऐसा हालात खराब हो गए हो आई थिंक हमारा जो कैप्टन को चेंज किया तमीम इकबाल था पहले और तमीम इकबाल देखिए जितना टीम है उतना टीम में कोच कैप्टन ऑल प्लेयर 2-3 साल पुराना है एक ही है हमारा जो वर्ल्ड कप में आया वो टीम में थोड़ा बदल दिया तमीम को बदल दिया फिर कोच बदल दिया फिर न्यू कैप्टन है साकिब भाई तो मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए यार फिर इधर का विकेट है बाउंस विकेट है और हमारा विकेट जो बनाता है ना पिच स्पिन पिच बनाता है तो थोड़ा डिफरेंट है होम ग्राउंड में बांग्लादेश तो अच्छा खेलता है बाहर में क्या दिक्कत होता है अच्छा क्यों नहीं खेलेगा मतलब देखिए इंडिया जब जाता है इंडिया के साथ हम लोग सिरा आता है इंडिया तो अवे में भी सीरीज जीता है इंडिया बांग्लादेश गया है 3 मैच में बांग्लादेश 2 है इंडिया 1 है बांग्लादेश सीरीज जीता है लास्ट बॉल तक फाइटिंग हुआ है मैच ता वो स्पिन पिच होता है रन होता है 250-230 और इधर क्या होता है 300 आप होता है ता स्पिन पिच और बाउंस पिच विकेट तो हमारा विकेट चेंज करना है बाहर देश को अच्छा खेलना है तो हम लोग सब स्पिन पिच बनाता है इसीलिए मुझे लगता है प्रॉब्लम मैच में कल का मैच के बारे में क्या बोलना है इंडिया का कौन सा प्लेयर अच्छा खेलेगा और कौन सा प्लेयर को आप सपोर्ट करने के लिए स्टेडियम में जाओगे सबको ऑलवेज रोहित भाई है फिर वो पूरे खेलोर भी अच्छा खेलना है मतलब देखिए इंडिया एक बार जितना रन बनाया और दूसरा टीम मुझे लगता है 2 बार बैटिंग करा तो नहीं बना पाएगा ऐसा ही पूरा सीरीज में हो था तगड़ा कंपटीशन नहीं होगा न्यूजीलैंड भी अच्छा साइड है कल कंपटीशन होगा कल लड़ाई भी होगा मतलब फाइनल में देखिए लास्ट टाइम इंग्लैंड में है न्यूजीलैंड इंडिया 9 मैच पे 7 जीता है 1 हारा है फिर इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल में खेला है सेमीफाइनल फिर सबको लगता है इंडिया चैंपियन हो जाएगा भारत चैंपियन हो जाएगा फिर क्या हुआ न्यूजीलैंड के साथ बहुत हार गया मैच तो बोल नहीं सकता भाई कौन जीतेगा कौन हारेगा तो हम तो ऐसे बोल सकता है ये जीतेगा वो जीतेगा मतलब बहुत टफ है एक चीयर अप हो जाए टीम इंडिया के लिए आई लव क्रिकेट आई लव न्यूजीलैंड आई लव इंडिया कम ऑन देखुले बांग्लादेश क्रिकेट रे फैन प्रतिक्रिया जो भी भाव बांग्लादेश चलित बर्ष भल क्रिकेट प्रदर्शन करनी जहाँफल सेमिफाइनाल को जाने किंतु सी आसी वांखड़े स्टाडियम पहुंची भारत बनाम न्यूजीलैंड मैच देखिए और भारत को सपोर्ट करेंगे जड़े भल पड़ोशी जो दायित्वी रही से दायित्व निभाइबे मुंबई रु कैमेरा पर्सन गौतम सुशांत साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज
जदि आपन को आम भिडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।